किसान साथियों, मेरा नाम मनदीप है, विलेज चढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा। मैं 2016 से जैविक खेती कर रहा हूँ। वेस्ट डीकम्पोजर, जीवामृत, फसल अवशेष प्रबंधन, आज का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। कल हमारी 1500 नौ धान की कटाई करवाई गई और आज सुबह हमने अपने खेत दूसरी एरो से पाड़ पाड़ यानी दूसरा करवा दिया। तो ये मिट्टी देखिए, ये मिट्टी देखो, कहीं से भी उठा लो, मुलायम हो गया। इसमें पूरी फसल में 2000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर गाजियाबाद द्वारा तैयार किया गया और 1000 लीटर जीवामृत और फसल अवशेष मिश्रित हरी खाद 10 तरह की बिजाई करके 50 दिन के होने के बाद खेत में मिलाई गई पैडियारों के साथ और उसके बाद समय के अनुसार धान की बिजाई की गई। तो धान भी बहुत अच्छी फसल खड़ी है और कटाई हुई है, वो भी बहुत अच्छी फसल, ठोस जीरी पकी है। किसी तरह का भी कोई फंगीसाइड या किसी तरह का कोई सिंथेटिक जहर नहीं अपनाया गया, संपूर्ण जैविक तरीके से तैयार की गई। जब मैंने डीकम्पोजर यूज नहीं करता था तो मेरे खेतों की बाई इतनी सख्त थी कि भाई चार चार बाई करने के बाद भी खेत में बड़े बड़े डले बन जाते थे, परंतु ये आप देख सकते हैं वो अवशेष पूरी तरह खेत में मिल चुके हैं। कोई भी फसल हो, गेहूं हो या धान हो या सब्जियों, पूरे फसल अवशेष खेतों में ही मिला रहे हैं, कोई आग नहीं लगा रहे किसी तरह के भी, समय के अनुसार चल रहे हैं, नमी की फसल नमी के अनुसार ले रहे हैं, पानी भी फसल कम मांग रही है क्यों, नमी बारिश के टाइम पर लगा रहे हैं, पानी की बचत हो रही है और फसल अवशेष से उपजाऊ शक्ति भी हमारी बहुत बढ़ रही है। जो आज फसल अवशेष किसान के लिए भी समस्या बना हुआ है और सरकारों के लिए भी समस्या बनी हुई है, किसान रुक नहीं रहा फसल अवशेष को खेत में आग लगाए बिना, और सरकार के लिए पोल्यूशन की इतनी समस्या बनी हुई है, केंद्र सरकार के लिए भी और हरियाणा सरकार के लिए भी। परंतु हमारा जो ग्रुप है रघुकुल जैविक किसान क्लब PGS इंडिया में रजिस्टर्ड, उसमें लगभग अब की बार 500 किले में ऐसे ही धान की बिजाई की गई, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। ये देखिए पूसा बासमती 30 नंबर, एक सार फसल खड़ी है, एक समान, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। 80% हमारे ग्रुप के किसानों के खर्चे कम हो चुके हैं बाई से लेके, और खेत में किसी तरह का कोई भी भाई फसल बोने से लेकर काटने तक बाजार से कुछ नहीं लेके आना। ये आपके सामने एक समान फसल खड़ी है, पूसा 30 नंबर, 1500 की कल कटाई हुई है और मैं आपको फसल का निश्चय से पौधे ने कितनी फुटाव किया है ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए जी फसल धान का कितना फुटाव है, हाथ में भी नहीं आ रहा है। पूरी फसल एक समान खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमारे ग्रुप के जितने भी किसान हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, कैथल, अम्बाला, शाहबाग और यूपी में भी, तो लगभग 500 किले धान लगा है इसी तरह से मिश्रित हरी खाद और डीकम्पोजर जीवामृत की सहायता से। तो मेरा तो एक ही संदेश है भाई, फसल अवशेषों को डीकम्पोजर की सहायता से अपने खेतों में मिलाओ, इसको एक समस्या न समझो, ये किसानों के लिए एक वरदान है जो हमारी जमीन को बचाएगा। और सरकार भी जो बड़े बड़े
लोग साधन लेके आ रहे भाई, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे मेरे फार्म पे आगे देख सकते हैं भाई किस तरह से भाई फसल खड़ी है और किस तरह हमने फसल के अवशेषों का प्रबंधन किया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9812109888 9812109888 धन्यवाद जी। नमस्कार किसान साथियों, मैं मनदीप पहल, विलेज चढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट करनाल। और ये देखो जी, कल हमारी 1509 की जीरी कटी है SMS मशीन के द्वारा, और आज हमने खेत में सारे अवशेष खेत में मिला दिए। खेत बढ़िया तैयार हो रहा है, और ये बुगले देख लो, दूसरे में खेत तैयार हो गए। अब हमारे पास टाइम है, इनको हम पलेवा कर देंगे और गेहूँ के टाइम तक ये बत्तर आ जाएंगे। ये बुगले देख लो, जितने भी अवशेष थे हमने अपने खेत में मिला दिए। किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी फसल अवशेष समस्या बने हुए हैं, पर हमारे ग्रुप के किसानों ने 500 किले धान समय के अनुसार वेरी नमी की फसल नमी में लगाई, सरकार के टाइम से एक महीना लेट, और अब फसल अवशेष भी इसमें खेत में ही मिला रहे। ये बुगले देख लो, ये फसल अवशेष देख लो, ये 1509 दाम से। नब्बे% फसल अवशेष खेत में मिल गए। गेहूँ का टाइम आएगा, एक दो वीडियो और बीच में डाल देंगे, पूरे पिछले साल भी ऐसे ही किया था भाई। सूखने ना दो इन फसल अवशेषों को, जो धान का पराल है इसको सूखने ना दो, तो ये साथ के साथ हरेगा रहेगा, काबू आ जाएगा, कट जाएगा ये, वरना ये यार उसे कटता नहीं। यानी दो टंके का ऑपरेशन साथ के साथ ही कर दो बस। फसल अवशेष खेत में मिला दिए थे। धन्यवाद जी।